हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है साइज ऑफ सैंपल एंड मेथड ऑफ सैंपलिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ सैंपल। इन प्रैक्टिस द साइज ऑफ सैंपल इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फैक्टर। सैंपल का साइज़ कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब वो कैसे डिसाइड होगा? तो उसको डिसाइड करने के लिए कुछ हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनके बेसिस पे हम लोग सैंपल का साइज़ डिसाइड करते हैं। पहला है नेचर ऑफ यूनिवर्स। इफ़ देयर इज होमोजेनिटी इन द यूनिवर्स, अ स्मॉल सैंपल विल बी सुटेबल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द यूनिट हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अ लार्ज साइज सैंपल विल बी रिक्वायर्ड सो दैट द सैंपल में रिप्रेजेंट द यूनिवर्स इन ट्रू सेंस। देखिए, जब आपका जो यूनिवर्स है वो छोटा है, और छोटा क्या है, जब उसमें जितने भी यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस है, ठीक है, एक जैसे हैं, तो आप एक छोटा सैंपल भी क्या कर सकती हो, बना सकती हो। छोटा सैंपल भी आपके लिए सुटेबल होगा। लेकिन जब आपका यूनिवर्स है बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन, और उसमें क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना होगा, लार्ज सैंपल बनाना होगा। वहाँ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर अलग अलग हैं और यूनिवर्स भी बड़ा है, तो उस कंडीशन में आपको लार्ज साइज सैंपल प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। द ग्रेटर द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर, द लार्जर शुड बी द साइज ऑफ सैंपल। हाउएवर, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट बिगर सैंपल डू नॉट मीन ग्रेटर एक्यूरेसी इन एवरी केस। देखिए, जब आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको जो सैंपल का साइज होगा वो बड़ा रखना होगा। लेकिन हर कंडीशन में ये ट्रू नहीं साबित होता है कि अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो सैंपल का साइज बड़ा रखना होगा। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द कंडीशन में यही होता है कि अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो सैंपल का साइज आपको क्या, ज़्यादा रखना होगा, ठीक। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ द सैंपल। देखिए, आपके पास, इन्वेस्टिगेटर के पास कितना पैसा है और कितना टाइम है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ सैंपल प्रिपेयर करेगा। नेचर ऑफ स्टडी। इफ द नेचर ऑफ स्टडी इज इंटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस, अ स्मॉल सैंपल में बी सुटेबल। इफ द स्टडी इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड एंड इज क्वाइट एक्सटेंसिव इन नेचर, इट मे बी नेसेसरी टू टेक अ लार्जर साइज ऑफ द सैंपल। देखिए, अगर आपको सैंपल रेगुलर बेसिस पे करना है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करना है स्टडी, तो आप छोटे सैंपल को भी यूज़ कर सकते हो। छोटा सैंपल, स्मॉल सैंपल भी आपके लिए सुटेबल होगा। लेकिन जब आपका जो नेचर ऑफ स्टडी है वो रिपीटेड, ठीक है, टू बी रिपीटेड एंड इज नॉट लाइकली टू बी, जब आपका वो रिपीट नहीं होगा, और एक तरीके से जब आप जो चीज़ ले लोगे वही चीज़ लंबे समय तक चलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लार्जर साइज ऑफ सैंपल लेना होगा। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ क्वेश्चन आर। इफ द साइज ऑफ क्वेश्चन आर इज लार्ज एंड द नेचर ऑफ आंसर इज टेक्निकल, द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी केप्ट स्मॉल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द साइज विल बी केप्ट लार्जर इफ द क्वेश्चन आर इज सिंपल एंड शॉर्ट। देखिए, जब आपका क्वेश्चन आर बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और उसके जो आंसर है वो बहुत ही टेक्निकल है, देने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो आपको जो सैंपल का साइज है वो स्मॉल रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब सैंपल में ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर लोगे, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सैंपल आप ले लोगे, तो उस कंडीशन में वो सारे क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा। इसलिए जब आपका क्वेश्चनार क्या है, लार्ज है, और जो आपका आंसर है उसका नेचर टेक्निकल है, तो उस कंडीशन में आपको अपना सैंपल छोटा रखना चाहिए। और उसी के अपोजिट, जब आपके क्वेश्चनार का साइज सिंपल है, बहुत ही आसान है और शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में आप अपने सैंपल का साइज लार्ज रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ द यूनिवर्स। द साइज ऑफ द सैंपल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ द यूनिवर्स। द लार्जर द साइज ऑफ द यूनिवर्स, द बिगर शुड बी द साइज ऑफ द सैंपल। देखिए, जितना बड़ा आपका यूनिवर्स होगा, उतने बड़े सैंपल की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और जब आपका यूनिवर्स छोटा होगा तो छोटे सैंपल की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। मैथड ऑफ सैम्पलिंग। द साइज ऑफ सैम्पल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैथड ऑफ सैम्पलिंग प्लान।
इफ़ द सैम्पल इज अ सिंपल रैंडम सैम्पल इट मे रिक्वायर अ बिगर साइज इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, देखिए आप किस मेथड ऑफ सैम्पलिंग को यूज़ कर रहे हो, हम लोग मेथड ऑफ सैम्पलिंग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि किस मेथड ऑफ सैम्पलिंग का आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप एक सिंपल रैंडम मेथड का यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए, इट मे रिक्वायर अ बिगर साइज इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो सही रिजल्ट पाने के लिए आपको जो अपने सैंपल का साइज है वो ज़्यादा रखना होगा। हाउएवर इन अ प्रॉपरली ड्रॉन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इवन अ स्मॉल सैंपल मे गिव रिलायबल रिजल्ट। लेकिन अगर आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन में स्मॉल सैंपलिंग जो है वो भी आपको सही रिजल्ट, रिलायबल रिजल्ट देगा। तो ये बेसिकली हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे साइज ऑफ सैंपल डिसाइड कर सकते हो। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।